हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है हमारे चैनल पर लगातार जो DRDO के टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है उसका आप लोग एनालिसिस देख रहे होंगे, और हम लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। हमारे साथ जो है पूरी टीम लगी हुई है जो है रिपोर्टिंग के लिए, जो आप लोग का ये टेक्नीशियन पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से हम एनालिसिस करवा रहे हैं। चाहे वो फिटर टेट का कैंडिडेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही कैंडिडेट क्यों ना हो, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो एग्ज़ाम देकर के कैंडिडेट आ रहे हैं, किस तरीके से क्या लेवल है एग्ज़ाम का, पूरा जो है हम ओवरऑल जो है आप लोग को ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और आप लोग जो है वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे। बाकी अभी आप लोग को पता है कि आज है 8 जनवरी, और आगे जो है 9 तारीख में, 10 तारीख में और 11 तारीख में, यानी कि 11 तारीख तक आपके DRDO के एग्ज़ाम चलने हैं। तो आप लोग को एक लेवल तो ये पता होना चाहिए कि जो नॉन टेक है या फिर जो टेक है, उन दोनों का लेवल अच्छे तरीके से आपको यदि नहीं पता रहेगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरीके से आपको क्या जो है इन बचे हुए 2 से 3 दिनों में किस तरीके से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको कवर कर दिया जाए। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम रिव्यूज़ करवा रहे हैं, कैंडिडेट से मिल रहे हैं, इतने कैंडिडेट से ओवरऑल 100, 150, 300, 400 एक एक जगह पर मिल रहे हैं, तो उससे ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या ओवरऑल जो है पेपर का लेवल है। तो यहाँ पर जो है जो टेक का लेवल है, आप लोग जो है रिव्यूज़ देखे होंगे तो आप लोग को जो है टेक का जो लेवल है ना वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जो नॉन टेक का है ना, कुछ लोग जो है अपने तरीके से बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ जो नॉन टेक वाले जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम आज की इस सेशन में कवर करेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को वहीं से चीज़ें को फोकस करना होगा, और गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग जो है आप लोग को पता होगा कि जो आपके नॉन टेक के क्वेश्चन आने हैं वो 40 क्वेश्चन आने हैं और 40 नंबर के आने हैं, और जो आपका टेक का है ना वो 80 नंबर के आने हैं। ठीक है, तो जो 40 नंबर आपको लाने हैं ना, ओवरऑल जो 40 नंबर आपको लाने हैं वो आपको किस तरीके से उनमें आपको 30 से 35 नंबर कैसे लाना है, यहाँ पर जो है जो टॉपिक्स हम बताएंगे आप लोग को उसे कवर करना होगा, जिसे आप अच्छे तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें, बाकी मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि हमारे साथ जो है एक भौर्या सर है, जो कि अभी मैं उनको बुलाऊंगा कुछ देर बाद, वो भी आपको कुछ गाइड करेंगे, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि GK GS में आपका नॉन टेक भी कहाँ से देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है ना नॉन टेक का, ये जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये सभी ऑल ट्रेड के लिए है, आप लोग को इसे शेयर भी करना होगा, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि GK GS में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो ये स्पोर्ट का जो टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा IPL के जो हुए हैं स्पोर्ट में रिलेटेड, जैसे और भी जो अवार्ड वगैरह है, जैसे विंबलडन हो गया या फिर और भी चीज़ें हैं, हाँ क्रिकेट वगैरह हो गया, यहाँ से चीज़ें जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन उठा रहा है। और अगर जो हम बात करें कंप्यूटर वगैरह से, तो कंप्यूटर में भी आपके GK GS में पता ही आपको कि कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है हाँ देखिए ये मौर्या जी हैं, इनसे भी हम थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे कंप्यूटर में चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का जनक कौन है, ये हाँ कंप्यूटर के जनक कौन है, या फिर कोई जैसे फुल फॉर्म वगैरह हो गया उससे भी पूछ लिया, या फिर कोई नॉर्मल जो है आप लोग को कंप्यूटर में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह हो गया जैसे बेसिकली इसके पार्ट हो गया या फिर कोई डिवाइस हो गया, वहाँ से कंप्यूटर से देखने को मिल रहा था GK GS में। और हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो हिस्ट्री से ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था आज, ये महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम का स्थापना किया था कहाँ पर किए थे, कहाँ पर किए थे, तो अहमदाबाद इसका आंसर होगा, अहमदाबाद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बेसिकली आप पढ़ लेंगे अगर जो हिस्ट्री से, तो वहाँ से भी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। बाकी अगर जो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा था, बिल्कुल भी जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, और संविधान से बात करें तो संविधान से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था, जैसे जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे यहाँ पर हमने 32 लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 32 जो है किसके अंतर्गत है, किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। और इसे अगर एक्सटर्नली इसे संविधान की आत्मा बोला गया है, किसने बोले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोले हैं, भाग 3 को जो है ये 32 आर्टिकल है। ठीक है, और ये भी जो है आर्टिकल से रिलेटेड सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए बच्चे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे जरूर देख लें। देखिए मौर्य सर भी बता रहे हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा रिव्यूज वगैरह हम लोगों ने कराया है, तो जो 21 ये है ये भी जो है पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार भी जो है इसके अंतर्गत दिया गया है।
ठीक है। और अगर जो चुनाव आयोग से भी जो है क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद के अंदर जो है कहाँ से आ रहे हैं, इन सब से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहा है। बाकी अगर जो हम साइंस की बात करें जीके जीएस में, और सर इसके लिए मैंने बहुत सारे शार्ट्स भी दे रखे हैं अपने चैनल पर, अगर बच्चे देखना चाहें तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप जीएस के लिए वो कोशिश करें कि उसे देखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जो है चैनल पर इनका हम लिंक दे देंगे सर का मेरा सर का, और आप लोग जो है देखिएगा वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट वगैरह अवेलेबल है जो कि जीएस में नंबर उठाने के लिए पर्याप्त। हाँ ठीक है जी। और यहाँ पर जो है साइंस में बात करें तो विटामिन से क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं विटामिन से। ठीक है, विटामिन की एक ट्रिक होती है आप लोग को पता ही होगा, रथ एक टॉफी। तो यहाँ पर ये मौर्य जी बताएंगे कि रथ एक टॉफी, मैंने चैनल पर भी बताया था, बहुत सारे बच्चे ने उसे देखा भी और बहुत ईजी है, और इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मैं अब यहाँ तो नॉर्मली लिख दे रहा हूँ, आप जैसे ये एक टॉफी, तो एक ट्रिक्स जैसे हर बच्चों को नहीं याद हो पाता है तो अपना इस तरह से याद करें, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो इस ये देखिए रेटिनॉल होता है, विटामिन ए एक रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम अभी कल के पेपर में ही पूछा गया था, और बी थायमिन हो जाता है। हम नाम उसमें अगर आपको डिटेल जाना तो उस वीडियो चले जाइएगा, आज ही मैंने इसको फिर से दे दिया था, उसी को एडिट किया था। तो थायमिन हो गया, पाको साइलेंट छोड़ दीजिए, इससे एस्कर्बिक अम्ल हो जाता है, कैसे एक कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं, डी को कैल्सिफेरॉल बोलेंगे, फिर टोकोफेरॉल इसको ई को बोलते हैं, विटामिन ई को बोलेंगे, जैसे टोकोफेरॉल की जो कमी आती है वो ई की कमी से, उसमें सर डिटेल में है, बच्चे देख है सकते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसका, जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग एक ये ट्रिक याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, ठीक है, उससे जो है आप लगातार ए बी सी डी ई एफ जो हमारा के तक है वहां तक आप विटामिन लिख लेंगे, तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए जीके जी इसमें तो बहुत ज्यादा जो है डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर जो बेसिक चीजें कवर कर लेते हैं तो आपके जीके जीएस से क्वेश्चन फंस जाएंगे। बाकी अगर जो हम करंट अफेयर की बात करें, और सर मैंने संविधान में जो भाग से रिलेटेड बहुत एग्जाम, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, उसका भी एक ट्रिक दिया हूँ, आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज छूट रहा है कि जो करंट अफेयर है वो जो है आपको लगभग 6 महीने प्रीवियस के अगर जो आप करंट अफेयर कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे चीजें, करंट अफेयर में अक्सर क्रिकेट से देखे तो अच्छा है क्योंकि क्रिकेट से हर एक शिफ्ट में सर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिकेट से या फिर जो हाल फिलहाल में जो जैसे एक युद्ध अभ्यास वगैरह पूछा था, हैंड टू हैंड जो है जैसे ये चाइना के भारत और चाइना के बीच में होता है, जरूर देख ले। हाँ, युद्ध अभ्यास आप जो अपने पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हमारा बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी से कौन कौन से जो है युद्ध अभ्यास होते हैं आप इनको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी कोई ना कोई मैंने दिया भी हूँ चैनल पर सर्च करके, मैंने बहुत सारे दे रखे हैं सब। तो आप लोग उसके लिए जो है बिल्कुल डीपली परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं तो काफी आपको कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैथ में बात कर लेते हैं, मैथ में जो है कहाँ से क्वेश्चन वगैरह दे रहा है और किस चैप्टर से नहीं दे रहा है ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें मैथ में तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, और बात करें सीआईएसआई की तो सीआईएसआई से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सीआईएसआई से अगर जो हम बात करें तो बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता होगा हाँ बिल्कुल फार्मूला बेस आ रहा, जो आपका मेन फार्मूला होता है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, उन्हीं दोनों फार्मूलों को आपको रट के जाना है, वहीं से जो है क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली जो है जाने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी अगर जो हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, आप इन्हीं चैप्टरों को मात्र बेसिक से जो फार्मूला वगैरह होता है आप उन्हीं को देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात करें सरलीकरण की तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, और एक चीज़ यहाँ पर जो है आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है वो है यहाँ पर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल भी मत देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको फैमिली बेस्ड क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ जाए किसी शिफ्ट में टफ भी क्वेश्चन सर आ जा रहा है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए मैथ का लेवल क्या था, पहले सब इजी था, आसानी से बच्चे बना लेते, आज थोड़ा सा टफ हुआ है तो मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहें आपका ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रीशियन या फिर कोई अदर ट्रेड है जहाँ पर जो है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन या फिर जहाँ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह जो आता है वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप मैथ में मत फंसिएगा, ऐसा ना हो जाए कि आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। मैथ के लेवल कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं अगर जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है तो। अच्छा एक चीज और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको टेक पोर्शन पहले करना चाहिए या फिर नॉन टेक करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा या फिर मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए
अगर जो आप एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको अपना टेक कर लेना है, ठीक है। टेक के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि आपके टेक से 80 क्वेश्चन जो है आपको टेक से देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको टेक के क्वेश्चन कर लेने हैं जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और हाँ, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो आप जो है सबसे पहले टेक कीजिएगा, देन उसके बाद आपको नॉन टेक करना होगा। और आप लोग बिल्कुल बेसिक से ही चीजें पढ़ के जाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल डीप डीप में घुस जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल डीप में आप घुसेंगे तो आप बेसिक चीजें पढ़ने का जो भी है बेसिक पढ़ के वही जाने का समय है। फार्मूला आप लोग बस फार्मूला, कोई न्यूमेरिकल भी ज्यादा आ नहीं रहा है, थ्रेड थ्योरी में भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो बच्चों को नॉर्मल नॉर्मल ही रिवीजन करके पढ़ना पड़ेगा। अभी बताया जाएगा कि जो है कहीं से ज्यादा डीपली जो है आप न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रहे हैं, अभी हम बताते हैं आगे, मेरे सर भी बताएंगे कहाँ से चीजें जो है क्या है। अब यहाँ पर जो है हाँ, यहाँ पर और भी मैथ में अगर देखा जाए तो औसत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाल और दूरी में जो रेल वाले क्वेश्चन आते हैं वहां से भी क्वेश्चन पर डे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग लगातार रिव्यूज वगैरह करा रहे हैं ना, तो चीजें समझ में आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर कि पेपर का ऑल ओवर लेवल क्या है, ठीक है। तो बाकी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन वगैरह देखने को मिल रहा है, पर डे इसी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, ये से तो पर डे से बन रहे हैं, और चाल दूरी इससे और औसत, ये पांच टॉपिक से तो पर डे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, इससे आप में रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए इन सभी जो चैप्टर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक कोई मैराथन का क्लास जो है मैं आपको एक रिकमेंडेड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसी को केवल देख लेंगे तो ये बेसिक चैप्टर्स है ना वो कवर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कोई मैराथन क्लास 4 घंटे का 3 घंटे का हम आपको सजेस्ट कर देंगे, जिनमें से ये आपके सभी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, आप लोग उसके लिए मत परेशान होइएगा, ठीक है। मैंने सर दो वीडियो तो दिया हूँ, पर और डिटेल में जानना हो तब के लिए, देखिए टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं है, तो चैनल पर मेरे कुछ वीडियो है उसको देखने से फायदा मिलेगा। रीजनिंग का मैंने 1 घंटा में एक वीडियो कवर किया हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हूँ, तो बच्चे अगर उसे देखते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, एक चीज और आप लोग देखेंगे, जैसे जो रीजनिंग है यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं हम यहाँ पर जानते हैं रीजनिंग से, तो देखिए कैलेंडर एंड घड़ी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और पासा एंड डाई से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, दिशा एवं दूरी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इससे दो क्वेश्चन आए हैं। दिशा और दूरी से बहुत आप लोग को पता ही होगा, आसान होता है, आप लोग जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरा पश्चिम यहाँ से डायरेक्शन बना करके आपको बस सेट करना रहता है, ये 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको दिशा या दूरी से मिला था, बहुत आसान होता है, आप लोग देखिएगा। बाकी यहाँ पर ब्लड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे थे, और अल्फाबेटिक एंड जो नंबर सीरीज होते हैं अल्फाबेटिक में, जैसे जो ए बी सी डी वाला होता है ये हमारे अल्फाबेटिक सीरीज के अंतर्गत आते हैं, जो नंबर वाले होते जैसे 2 3 4 एक गैप कर देगा, यहाँ पर जो है कोई स्वर दे देगा, व्यंजन दे देगा, वहाँ से क्वेश्चन जो है बन रहे थे। बाकी बात करें कथन एवं निष्कर्ष की, तो यहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला, हमने जो है बहुत शिफ्टों को एनालिसिस करवाया, तो वहाँ पर जो है हमें इन सभी से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और आगे भी मे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष से नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर जो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट और क्यूब की बात करें, तो यहाँ पर जैसे यही सीरीज सेम इसी तरीके इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये स्क्वायर और क्यूब, जैसे 2 का पावर लिख दिया, 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यहाँ पर 2 का पावर अगला संख्या क्या, अगला संख्या क्या है, ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से कोई बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। बाकी सर हो सकता है कि लेवल अब धीरे धीरे बढ़ाए, क्योंकि लेवल जैसे मैथ का बढ़ा रहा है, तो देखिए एक चीज आप लोग थोड़ा और देखिएगा, जैसे जो मैथ का लेवल है हमने आज जो है रिव्यू जो करवाया था वहां पर थोड़ा सा लेवल कैंडिडेट कह रहे थे कि इंक्रीज हुआ है जो है कल की अपेक्षा, या फिर जो 6 जनवरी में एग्जाम हुए हैं, 7 जनवरी में जो एग्जाम हुए उनकी अपेक्षा, बच्चे 1-2 क्वेश्चन सर नहीं बना पाए थे, हाँ, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ये तैयार होना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप लोग जो है लेवल जो है आप करके ही थोड़ा देखिएगा, जो फार्मूलोज वगैरह हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, बाकी आपको एडवांस मैथ बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा इंग्लिश है वहाँ से जो है वहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, देखिए अगर जो हम इंग्लिश की बात करें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको देख लेने हैं, आपको ज़्यादा बिल्कुल पीएचडी नहीं कर लेना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बेसिक आप देख लीजिएगा, जो बहुत बार आए हैं कई बार आए हैं आपको उनको देख लेना होगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई वीडियो अगर जो हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मिल जाता है तो हम आपको उसका लिंक भी सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बन रहे हैं, तो आर्टिकल की भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, नरेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन देख लेना होगा।
और अगर जो हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, वहां पर जो है एक पूरा जो है सेंटेंस दे देगा, वहां से कोई, पर इंग्लिश का सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल थे, बच्चे सब बना ले रहे थे, तो इसलिए ज्यादा परेशान ना हुई उसके लिए कि हम बूढ़े अब इंग्लिश पढ़ते जाएं। आर्टिकल में अगर जिसको भी आता है बेसिक वही सब है। हाँ बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बिल्कुल टफ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इतने से रिव्यूज़ कराया है, उनसे यही समझ में आ रहा है कि जो इंग्लिश का लेवल है बहुत बिल्कुल, हाँ यदि आप थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते होंगे तो बहुत आसानी के साथ इंग्लिश कर पाएंगे। आप इन सभी टॉपिक को एक बार बहुत ऐसे ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, बिल्कुल डीप मत घुसिएगा, क्योंकि क्या है कि टाइमिंग कम है और हो सकता कल भी आपका एग्जाम हो, तो आप लोग को ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है, और एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा बहुत ऐसे देख लेंगे तो आपका ओवरऑल लेवल कवर हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है बात आती है मौर्य जी की, जो टेक वाला चीजें है ना, यहाँ से किस तरीके से क्या इन लोगों को गाइड किया जाए और क्या करना है। टेक में तो पहले न्यूमेरिकल बहुत इक्का दुक्का आ रहा था, तो वो भी नहीं आ रहा है उसमें। क्या बच्चे यही बता रहे हैं कि अपना निमी का जो है भारत स्कूल पर, उसको पढ़ने से बहुत फायदा मिला, उनको काफी क्वेश्चन उससे फंस जा रहे हैं। आज जो थर्ड शिफ्ट था उससे होबू क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन मिले थे, तो और सेकंड शिफ्ट में उससे ज्यादा कम से कम 25-30 क्वेश्चन उससे मिल गए थे। कल के शिफ्ट में भी निमी के क्वेश्चन मिले थे, तो जिस भी ट्रेड के बच्चे हों वो अपने निमी के पीडीएफ को पढ़े। हाँ देखिए, यहाँ पर मौर्य जी सही कह रहे हैं कि जो टेक वाला जो पोर्शन है ना आपका, यदि कोई भी ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, आगे भी जो और ट्रेड होंगे, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोपा है, कारपेंटर है, जो भी और भी ट्रेड के कैंडिडेट हैं, आप लोग को एक काम ये करना है, टेक के जो निमी के क्वेश्चन हैं, निमी मतलब ये है कि जो भारत स्किल के ऑफिशियल वेबसाइट से जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसको आपको जरूर पूरा रट के जाना है। और यदि आपको नहीं पता है कि कहाँ से इसे डाउनलोड करना है, तो हमने आपको एक निमी का आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दिया, सॉरी आपने हमने अपना वेबसाइट प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर जितने भी निमी के क्वेश्चन बैंक हैं सभी ऑल ट्रेड के हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी ट्रेड के आप कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि निमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों के रिव्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा जो है निमी के जो है बच्चे कह रहे हैं कि निमी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 70-80% क्वेश्चन निमी से। सर ये भी है कि निमी के सारे बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चे हैं आईटीआई से शुरू से बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से पढ़ रहे हैं, तो उनका गलत नहीं होगा। अगर आपका गलत हो जाता तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा कि सर मैं उस बुक को क्यों नहीं पढ़ा, इधर उधर पढ़ता रह गया। तो कोई टीचर 1-2 घंटे का मैराथन पढ़ा रहा है, उसको आप बाद में पढ़े, पर पहले इसको खत्म करिए, क्योंकि बहुत बड़े चैनल पर क्या है कि कई घंटे के सर क्लास चल रहे हैं, बिल्कुल, तो बच्चे पूरे परेशान हो जा रहे हैं। Exactly. पर इतनी छोटी चीज को नहीं पढ़ पा रहे। मैंने बहुत देखे अच्छे अच्छे लड़के जो थे इसको रिवीजन नहीं किए थे, तो और उनसे गलत हो गया उनका ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ ले, फिर दूसरे का समय मिलता है तो पढ़ें। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह जो है ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो वैसे बहुत ही नॉर्मली आ रहे हैं, जो कि हो सके सर अगर बेस बढ़ाए एग्जाम का लेवल का, तो फार्मूले पे 1-2 क्वेश्चन जो सिंपल ही दे सकता है। बिल्कुल जी, तो इसी तरीके से आप निमी जरूर पढ़ के जाएंगे कैंडिडेट्स आप लोग, क्योंकि निमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है कि जो निमी होता है ना, आप किसी भी ट्रेड के हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा निचोड़ करके ही वो पीडीएफ बनाया जाता है, और आप लोग को पता है कि निमी का जो भारत स्कल का वेबसाइट है ना, वो काफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है ऑफिशियल है और फेमस है, और वो पूरा निचोड़ करके ही आपका पीडीएफ तैयार करता है किसी भी ट्रेड का हो, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। हमने कई वीडियोज़ में आपको इनकी क्लास करवाया है, तो लोग कमेंट करते थे कि निमी के क्वेश्चन है, निमी के क्वेश्चन है, आप लोग को मैं आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अब क्या हाँ। जरूरत है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे आज उनका ही एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और तो, एक चीज और ध्यान दें कि निमी के क्वेश्चन में भी कभी कभी घुमा रखा है, लगता है कि निमी क्वेश्चन है परंतु उसमें थोड़ा सा चेंज किया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल, अच्छा एक चीज और देखने की बात यह है कि यदि आप निमी का पीडीएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन जैसे गलत भी हैं, तो जिसमें भी आपको क्वेश्चन का डाउट लगे आप उसे तुरंत गूगल कीजिए और उसका आप सही आंसर जान लें, तो निमी की आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, टेक में तो बाकी और भी हम रिव्यूज़ कराएंगे कैंडिडेट्स के, वहाँ पर किस तरीके से क्या और आगे लेवल होता है, क्योंकि कल 9 जनवरी है और 9 जनवरी में सर होगा, तो हाँ, फिर आप उसके हिसाब से अलग हम लोग हाँ, मिलेगा कि क्या है, ट्विटर का मिल रहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, अब अलग डेट का होगा तो हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए लगातार इस ठंडे में मेहनत कर रहे हैं,
सुबह जा करके 7 बजे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, रात तक रुक रहे हैं, 8 बजे तक रुक रहे हैं, क्योंकि आप लोग का पेपर अच्छा हो हम लोग यही चाहते हैं। तो हम रिव्यूज़ वगैरह कराएंगे, आप लोग बस सपोर्ट अपना दिखाइए, हम लोग का जो ये चैनल है आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप लोग का ये जो DRDO का हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो कहीं ना कहीं ITI किए हुए हैं और जॉब के आश्रय बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे जो है शेयर भी कीजिएगा, जो टॉपिक हमने यहाँ पर बताया उसे आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए और आप जो है अपने करियर के लिए एक जो है अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से पा सकें, ठीक है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर चीज़ें हमने आपको कवर कर दिया है कि नॉन टेक से कहाँ से आएगा और टेक से कहाँ से आने वाला है, ठीक है। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो है रिप्लाई कर दें। बाकी मोरल जी का जो चैनल है हम आपको उसके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप इनके भी चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर चीज़ें हमने करा रखा है, ठीक है। बाकी जो है अपना हम एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग जो हम बच्चों को पढ़ना भी है, रिवीजन करना, ठीक है, तो बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं अपना रिवीजन जो है अपना ये पूरा एनालिसिस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।